उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अब बड़ी कार्रवाई करते हुए भूमाफिया, हिस्ट्री शीटर और गैंगस्टर के खिलाफ ऑपरेशन नेस्तनाबूद चलाया है। इसमें सीएम योगी ने आदेश दिया है कि सरकारी जमीनों पर माफिया और अपराधियों के अवैध कब्जे और संपत्तियां ढहाई जाएं और इसमें लगा खर्च सरकारी जमीन पर जितने समय तक कब्जा रहा है उस अवधि का हर्जाना भी उन्हीं से वसूला जाए। सीएम के आदेश के बाद प्रशासन ने ऑपरेशन नेस्तनाबूद को और तेज कर दिया है। अब तक राज्य में माफिया और अपराधियों की करीब 500 करोड़ की अवैध संपत्तियां या तो जब्त कर ली गई हैं या ढहा दी गई हैं। प्रयागराज प्रशासन ने अकेले अतीक अहमद की 300 करोड़ की अवैध संपत्ति जमीन दोज कर दी है। ऐसा नहीं है कि योगी सरकार का एक्शन सिर्फ कुछ चुनिंदा बाहुबलियों तक ही सीमित है। राज्य में 25 से ज्यादा ऐसे माफिया के खिलाफ कार्रवाई जारी है। इसमें सपा के कद्दावर नेता आजम खान, सपा MLC कमलेश पताहक, भदोही से विधायक विजय मिश्रा जैसे लोग भी शामिल हैं। न्यूज़ डेस्क।